एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही स्टैंड होने वाला है और बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आज मैं आप लोग को ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ, शायद आप लोग कभी यहाँ नहीं आएंगे। तो अभी फिलहाल से मैं यहाँ से अंदर चलता हूँ और ये मेन गेट है। इधर से अंदर पहले हम लोग इधर साइकिल से बहुत आते थे, लेकिन सब कुछ समय में नहीं आते थे, लेकिन आज आ भी गए हैं तो क्यों सोचे आप लोग को दिखा देते हैं। तो चलिए शुरू कर आ गया हूँ और अंदर की सीन आपको दिखा देता हूँ। और ये झूला है, इस पे लोग आते हैं और यहाँ मौज मस्ती करते हैं। और इधर से मैं अपनी बाइक को इधर से खड़िया दिया हूँ और इधर से आप लोग देख सकते हैं। अभी तो वेट करेंगे तो वेट से अच्छा है मैं आप लोग को कुछ इधर से दिखा भी देता हूँ। और इधर से की कुछ इस तरह की कंडीशन है और इधर से एक तरफ नहीं, और उस पर बैठ के आप और वो मड़ई आपको बहुत ही गजब दिखेगी। और उधर से भी है तो गाड़ी फिलहाल से यहीं पर रहेगी, क्योंकि हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई इधर से नहीं ले जाएगा। और इधर से आप देख सकते हैं, अभी उधर चलता हूँ और उधर दिखाता हूँ कि कौन सा पेड़ उधर से लगाते हैं, जो यानी कि सरकारी पेड़ होता है और सरकारी ही चीज़ वहाँ होता है। सरकार मतलब से जहाँ सरकारी मतलब प्रधानी में होता है तो उधर से ले जाते हैं। और रास्ता कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं गार्डन्स की तरह है, बिल्कुल से एकदम काफ़ी मस्त इस टाइम है। और उधर से डायनासोर्स, वो जो दिख रहा है वो डायनासोर है, पहले का जो हम लोग टी वी में देखते थे उसकी मूर्ति है। और इधर से देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। इधर से मैं अभी दो पिक लूँगा जिसे मैं उधर से थंबनेल लगाऊंगा, तो ही तो वीडियो में मैं बोल रहा हूँ और थंबनेल हकीकत में बनाने वाला हूँ। तो अभी आ गया हूँ इस पार यानी कि इस पार पौधा लगता है और इस पार से आप आकर मस्ती कर सकते हैं। और इस पार ही पार्क है और इस पार से पौधे का भी होता है। तो अभी मैं एकदम से बॉर्डर पर हूँ और जैसे कि बॉर्डर से इधर देख सकते हैं पानी है, उधर से भी पानी है। मैं अकेले से घूमता हूँ, उधर से गड्ढा कैसा है देख सकते हैं, इधर काफ़ी ऊंचा गड्ढा है। और अभी हम लोग सभी इधर से काम चल रहा है, देख सकते हैं इधर सभी पौधे इसमें लगाए जा रहे हैं। पहले मिट्टी डालते हैं और उसके बाद ही होता है। मैं पहली बार आया हूं और इधर से कुछ अंदर भी चलता हूं। और इधर से आप देख सकते हैं नाला, जैसे मैं उधर से नाला बढ़ता गया और वहाँ पर बहुत बड़ी गैर है। और वो तो शिवरात्रि का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। और शिवरात्रि में मैं मेला जाने वाला हूँ उधर साइड तमेश्वरनाथ मंदिर, और वहाँ की मानी जानी मंदिर है। इधर से भी कैसा है देख सकते हैं। मैं अभी आपको वीडियो में बैक कैमरे करके आपको सारी चीज़ इधर से की दिखा दूँगा। और अभी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अभी वहाँ आ भी गए हैं तो अभी उधर चलते हैं, काम बहुत करते हैं। आपको इंजॉय अभी उस मड़ई में चलता हूँ और बैठता हूँ, इंजॉय पूरा लेता हूँ मैं। पेड़ तो हमको काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इधर से आप देख सकते हैं कैसा है ऊपर से, यानी कि पिक्चर्स की तरह है, जैसे हम लोग पिक्चर्स में सीन देखते हैं उसे हम लोग हकीकत में देख रहे हैं। और इधर से देख सकते हैं ऐसे लोग अपना फ़ोटो लगा देते हैं यानी कि वैसे, और ये हकीकत में दिख रहा तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और उधर से बैर भी देख पक गई एकदम, उधर बैर भी पक गई है, आपको करीब से मैं दिखा देता हूँ। ऐसे उधर देख सकते हैं बैर की क्या पक गई है कैसी। और धूप भी निकल गया है, पहले ऐसा लगता था सुबह में कि धूप नहीं होगा और इस समय तो धूप हो गया। और अभी टाइम हो रहा है 11:47 और मैं इधर से आया हूँ रंजन के लिए। और अभी इस पर मैं बैठता हूँ, इस पर मैं पहली बार ऐसा बैठ रहा हूँ और बैठ को झूल भी रहा हूँ, तो काफ़ी हमको इंटरेस्ट लग रहा है और झूलते ही। तो अभी और से भी यहाँ से चलता हूँ उधर, और चलने के बाद आप लोग को आगे मैं बता देता हूँ। और आ गया हूँ इधर सुनसान से ऐसी मड़ी है, ऊपर की कंडीशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से मड़ी है। और अभी तो मड़ई में फिलहाल मैं ऐसे दिखाया हूँ इन्जॉय के लिए आप लोग को। और उधर से आप बैठ के मौज मस्ती कर सकते हैं दोस्तों के साथ। और अभी तो फिलहाल हमारे तो कोई फ्रेंड्स है नहीं साथ में, ना तो हम आपको दिखाते हैं हम लोग कैसे यहाँ पर कुछ करते हैं। और ये कुछ इस तरह कंडीशन है, लग रहा है जैसे पेड़ की सिल्ली है, तो ये तो दिखा दी हैं और यहाँ से बाहर आ गए हैं।
और बाहर से अब रास्ते उधर चलता हूं और अब चलते हैं घर पे। और आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं जानता हूं आज की वीडियो आप लोग को बहुत इंटरेस्ट लगी होगी। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अपने छोटे भाई पे ऐसे प्यारा आशीर्वाद बढ़ाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।